एक जगह एक लोभी और निर्दय शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ तीर कमान लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक मुर्गी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर शिकारी आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक गुफा थी, उसमें घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूंगा। उस गुफा में वही मुर्गा रहता था जिसकी पत्नी को शिकारी ने जाल में फंसाया था। मुर्गा उस समय पत्नी के वियोग से दुहखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर मुर्गी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग्य है जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ, यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव मैं तुम्हारे सामने हूँ, इस शिकारी ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर मुर्गे ने शिकारी से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? शिकारी ने कहा, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। मुर्गे ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। मुर्गे को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही शिकारी की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा मुर्गा स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने शिकारी की भूख मिटाने का प्रण पूरा किया। शिकारी ने जब मुर्गे का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने मुर्गी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़फोड़ कर फेंक दिया। मुर्गी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है? मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं? यह सोचकर वह पतिव्रत भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिकारी ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।